व्यक्तिगत सुरक्षा यानी क्या, ये सवाल आपके जहन में उपस्थित हुआ होगा, तो मैं आपको यह बताना मुनासिब समझता हूँ कि व्यक्तिगत सुरक्षा है तन मन और भावना तथा लैंगिकता की सुरक्षा। इस नाटिका में व्यक्तिगत सुरक्षा के कई अंगों पर भाष्य किया गया है। हमारे जैसे कि नशाखोरी के कारण तन मन तथा भावनाओं पर होने वाले गंभीर असर, डॉक्टरों की सलाह न मानने के नतीजे, यातायात के नियमों का क्योंकि और कैसे हम अनुपालन करना चाहिए, और महामारी और स्वच्छता आदि के बारे में इस नाट्य में भाष्य किया गया है। तो अब हम सीधे रुख कर करते हैं कि नाटिका की ओर, ताकि आप व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में जान लें, समझ लें तथा आपके जीवन में उसे अपना लें। तो आइए देखते हैं नाटिका व्यक्तिगत सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा। इस नाटिका में सहभागी छात्र है कुमारी बसंतर प्रिया सुयोग, कवि के सभी छात्र हैं कुमारी दलवी कृष्णा विद्यालय समान शिवानी बीकानेर, सोलकर फिरियान गिल्लवास और सोलकर उमर मानसा, इन सभी छात्राओं को मैं नाटिका सादर करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन पुणे द्वारा लोक संख्या शिक्षा विभाग आयोजित भूमिका अभिनय के मंच पर नाटीनगर विद्या मंदिर के नौवीं कक्षा के छात्र आपके सामने पेश करने जा रहे हैं एक प्रभुदर्पण नाटिका, व्यक्तिगत सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा। सुरक्षा जरूरी दोस्तों, सुरक्षा जरूरी, सुरक्षा जरूरी दोस्तों, सुरक्षा जरूरी। मान ले तू मान ले, व्यक्तित्व को पहचान ले, जिंदगी ये बंदगी, हंसकर जी लो ये सादगी। सुरक्षा जरूरी दोस्तों, सुरक्षा जरूरी, सुरक्षा जरूरी दोस्तों, सुरक्षा जरूरी। सुरक्षा इस मन की, इस तन की, अपने ग्रोथ की, हर इंसान के जीवन में उसकी सुरक्षा का बड़ा ही महत्व होता है। इसमें आता है शरीर, मन, भावना और लैंगिकता। सृष्टि के विकास के लिए हमें यह खूबसूरत परिपूर्ण शरीर दिया है, लेकिन कई लोग इस जगमगाती दुनिया में अपने तन मन को खो देते हैं और नशा पानी करने में डूब जाते हैं। इसमें ना अपने शरीर की फिक्र रहती है, ना अपने स्वास्थ्य की। आजकल की महिलाएं अपना फिगर मेंटेन करने के लिए हानिकारक गोलियों का सेवन करती है, क्योंकि जीरो फिगर मेंटेन करने के लिए अंत में इसका नतीजा क्या, बिगड़ी हुई सेहत और बीमारियां। इसलिए याद रखिए, अपने शरीर की सुरक्षा भी बहुत जरूरी होती है, जिसे आप अनदेखा नहीं कर सकते। अब इस सदी में बहुत परिवर्तन हुआ है, महिलाएं अपनी सुरक्षा खुद कर सकती है। ऐसा क्या? हाँ यही तो, बिना हेलमेट गाड़ी चलाना मतलब मौत को दावत देना। हाँ तो चलो, खुद की शरीर सुरक्षा को लेकर जान ले तू मान ले, अपनी सुरक्षा पहचान ले। मन में चिड़ियों के जैसा खेतों में लहराए, चाहे जितना दूर लगो वापस लौटा जाए। इस मन का व्यू है रोग राई, अंतरंग विशालता, और बहुत जरूरी है मन की सुरक्षा भी। अगर उसे भी टेंस पहुंची तो मुझे परीक्षा में बहुत कम अंक मिले हैं, मेरे पापा ने तो मुझसे बहुत उम्मीद थी, अब कैसा लगेगा उनको। बच्चे पापा का बुरा बेटा हूँ मैं, महीना महीना सब जामी दे दूंगा। ठीक, सब गंदा ही भरोसा है। क्या है तुम्हें, खाना बनाना आता है या नहीं? क्या हुआ जी, मुझसे कोई भूल हो गई क्या? क्या हुआ, मुझसे ज्यादा लड़ती है तू? मैं कमा कर लाता हूँ तभी दो वक्त की रोटी खाती है तू। कुछ भूल हो गई क्या जी? बस क्या, बहुत बार तेरा नाटक मातंग की गई। डॉक्टर साहब मुझे डिस्चार्ज कब देने वाले हो? देखिए आपको अभी और कुछ दिन आराम की जरूरत है, आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो रहे हो। क्या आराम? मेरे पास तो बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, बंगले हैं, खेती बाड़ी है, लाखों करोड़ों का बिजनेस है, और मुझे ना बहुत कुछ कमाना है, जाने दो मुझे। जिंदगी में खुश रहने के लिए क्या चाहिए, कितना चाहिए? बस इतना सा। चलो मन के बोझ को हटा ले, चलो मन के बोझ को हटा ले, जीवन में खुशियां भर ले। दोस्तों अपने जीवन में महत्वपूर्ण है भावनिकता और लैंगिकता।
इस वक्त तो जीवन के कई रूप होते हैं जो हमें हमारे आसपास दिखाई देते हैं। अरे यार कैसा है तू? वो देख इधर कौन है ये? सुना कल मेरे सपने में आई थी। सपने में? हाँ सपने में। ना बहुत अच्छी लगती है, मन करता है उसे अपने बाहों में समेट लूँ। यार ये क्या पागल हो गया है? क्यों रे, क्या हुआ? मुझे कोई गलती हुई क्या? अरे यार गलती की कोई बात नहीं है। मेरे पापा कहते हैं इस उम्र में अपोजिट जेंडर की तरफ आकर्षित होना स्वाभाविक है, इसे तो हम आकर्षण कहते हैं। इस उम्र में संभाल कर जिम्मेदारियों से रहना चाहिए। हाय नंदू, हाय रमेश, कैसे हो? देखा तुमने, इसे कहते हैं सच्ची मित्रता यानी फ्रेंडशिप। क्यों रे, कुछ बात है क्या? कुछ नहीं। माँ मैं मंदिर जाकर आती हूँ। क्या मंदिर में? देख बेटी अब तो बड़ी हो गई है, इन दिनों में मंदिर जाना ठीक नहीं है। बस क्यों माँ क्यों? ज्यादा आगे मत बोल, मैं तेरे भलाई के लिए तो कर रही हूँ। अरे मासी इस विषय को मत टाल दो, उसे मासिक धर्म महावारी के दिन समझ लो ना, वो समझ जाएगी। लेकिन मैं ठीक है तो मैं समझा देती हूँ। ये सबकी जिम्मेदारी है, इन दिनों में सुरक्षा लेना बहुत जरूरी है। सुरक्षा का नाम भला रे दोस्तों, सुरक्षा का नाम भला, सुरक्षा का नाम भला रे दोस्तों, सुरक्षा का नाम भला। चलेगी अब ये भला रे दोस्तों, चलेगी अब ये भला, चलेगी अब ये भला रे दोस्तों, चलेगी अब ये भला। सुरक्षा में बड़ी शक्ति होती है, सुरक्षा में बड़ी शक्ति होती है, सुरक्षा में बड़ी शक्ति होती है, सुरक्षा में बड़ी शक्ति होती है। मुक्ति देगी अब करारे दोस्तों, सुरक्षा का नाम भला, मुक्ति देगी अब करारे दोस्तों, सुरक्षा का नाम भला, सुरक्षा का नाम भला रे दोस्तों, सुरक्षा का नाम भला, सुरक्षा का नाम भला रे दोस्तों, सुरक्षा का नाम भला। धन्यवाद। वैयक्तिक सुरक्षेमध्ये शारीरिक वैयक्तिक सुरक्षा आणखी भावनिक आणि मानसिक आणि लैंगिक सुरक्षा। मग माझा प्रश्न असा आहे की तुम्ही जेव्हा लैंगिक सुरक्षेबद्दल सादरीकरण करत होता तेव्हा मुलं हसली, त्याचं कारण काय असेल असं तुम्हाला वाटत? म्हणजे तुमचं चुकलं म्हणून ती हसली नाही, पण ती हसली इतर तुमचं जेव्हा मानसिक भावनिक चालू होतं तेव्हा मुलं शांत होती, पण तुम्ही जेव्हा त्या विषयाला सुरुवात केली तेव्हा मुलं हसली। तुमचंही चुकलं नाही तुम्ही हसलं याला, पण तुम्हाला काय वाटतं की मुलं का हसली असली? तुमच्या मनाने किती उत्तर द्या किंवा तुम्हाला जे वाटतंय का हसली असली ते सांगा। त्यात चूक बरोबर काय? हसली मुलं तुम्ही पण जाणवलं, तुम्ही दरवाजे तुम्ही पण दरवाजे ती मुलं हसायला लागणार, पण ती का हसली असली असं तुम्हाला वाटतं? भावनिकला असली नाही, मानसिकला असली नाही, शारीरिकला असली नाही, पण त्या विषयाला ती असली। तुम्हाला समजतंय मला काय विचारायचंय? तुम्ही उत्तर द्या। तेच मी म्हणते का हसली, ती हसली बरोबर आहे, माझा प्रश्न तोच आहे। सांग तुला काय वाटत ती का हसली? हा बरोबर आहे, त्यांना हा वेगळा विषय वाटला, कारण आपण एवढा काय म्हणतात फ्रीली आपण तो बोलत नाही बरोबर ना। मुलीला पण हसायला येत होतं, दाखवून बघा कारण हा विषय आपण फ्रीली बोलत नाही, उघडपणे मुलांपर्यंत जात नाही, त्यामुळे गुलाब द्यायला लागल्यावर लगेच हसायला आलं, भावनिक मध्ये पण जराशी चुळबुळ केली, मग हा विषय एवढ्या उघडपणे मांडला जात नाही, त्यामुळे त्यामुळे चुका होत आहे बरोबर ना। त्यामुळे नाही किंवा शाळेत पण आपण उघडपणे मैत्रिणीपर्यंत बोलता, मुलगे आपापल्या आणि तुम्ही गुड फ्रेंडशिप म्हणतात ती अजून समान म्हणजे नाही ना परत।
बरोबर की नाही? म्हणजे हा विषय तेवढा उघडपणे बोलला गेला पाहिजे, मुलांना समजून. तुमचा असणारही चुकीचा नाही, पण तुम्हाला ते असं पहिल्यांदा एवढं स्टेजवर अरे टीव्हीत मोबाईल मध्ये बघतो आणि इथे आम्ही शाळेत पण बघतोय, पण हा विषय गरजेचा आहे. त्यामुळे तरीही हसत असताना तुम्ही सादरीकरण केलं आणि खूप मोठा भाष्ट विषय खूप छान पद्धतीनं तुम्ही सादर केलेलं, तर त्यांच्यासाठी एकदा टाळ्या वाजवू. कार्यक्रमाचं आयोजन करा आणि हा विषय आता मुलांपर्यंत गेल्यावर पुढे तो जाणार आहे, तर त्या दृष्टीने काही उपक्रम आपण शाळेत राबवतो. छान.